बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 9706/32, इसका फेब मार्च 2019 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो वहाँ 2020 और 2021 के जो ए लेवल के पेपर्स हैं वो सारे मैंने कराए हैं, तो आप जाके प्रैक्टिस के लिए उनको देख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड मटेरियल फॉर प्रैक्टिस। अकाउंटिंग के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट, एक आपकी प्रैक्टिस। अगर कंसेप्ट आपके अच्छे हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, देन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू कि टाइम मैनेजमेंट और एग्जामिनेशन के अंदर जब आप बैठेंगे तो यू विल बी इन हॉट वाटर, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पास्ट पेपर्स हैं, बिकॉज यू नो कि एग्जामिनर जो है वो टाइम एंड अगेन क्या चीज़ें पूछ रहा है। तो ये पास्ट पेपर्स अगर आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग ए प्लस इन योर एग्ज़ाम, यू विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस और बहुत इत्मीनान से आप पेपर जो है अपना कर सकते हैं। तो आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये पहला सवाल जो है वो नॉन ऑपरेटिंग जो बल्कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं आपकी, उससे रिलेट्स करता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर ए क्लब, एक क्लब है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है एट 1 जुलाई 2017। ओपनिंग बैलेंसेज आपको दिए हुए हैं, क्लब हाउस एट कॉस्ट, ये जो क्लब हाउस है जहाँ पर ये क्लब सिचुएटेड है, जो इसकी प्रीमिसेज है उसकी कॉस्ट जो है वो 300,000 है। उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अब तक निकला है 156,000 निकला है। इक्विपमेंट है इनके पास 140,000 की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इक्विपमेंट का निकला है वो 64,000 का है। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स का मकसद ये है कि क्लब जो चलता है नॉर्मली इस किस्म की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो फिर उसको उसके डे टू डे आपके जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे मेंबर्स जो उसके होते हैं, जिनको वो क्लब फैसिलिटीज़ दे रहा होता है, वो सब्सक्रिप्शंस पे करते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शंस जो है वो मेंबर के लिए तो एक्सपेंस हो जाता है, लेकिन क्लब के लिए ये एक्चुअली इनकम होती है। तो सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स का मकसद क्या है कि आपका करंट एसेट्स है, कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गई थी लेकिन उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी, तो दिस इज़ योर एसेट। और सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस का मकसद है, ये करंट लाइबिलिटी है आपकी, कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि अभी उन्होंने क्लब की फैसिलिटीज़ अवेल नहीं करी लेकिन एडवांस के अंदर उन्होंने सब्सक्रिप्शन, जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उनका, वो उन्होंने पे कर दिया। तो ये फ्रॉम क्लब पॉइंट ऑफ व्यू ये फिर लाइबिलिटी होती है कि क्लब के जो मेंबर्स हैं वो ये फैसिलिटीज़ अवेल करेंगे फ्यूचर में लेकिन सब्सक्रिप्शन अपना नहीं देंगे। एक्यूमुलेटेड फ़ंड, मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि इस किस्म के जो सवाल आए थे कि एक्यूमुलेटेड फ़ंड को आप ट्रीट करें कैपिटल की तरह, और जैसे रिटेंड अर्निंग भी आप इसको समझ सकते हैं कि जितना भी जो प्रॉफिट है और लॉस है सारे का सारा वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होता रहता है। अगर आपका सरप्लस ज़्यादा है, क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ इनकम स्टेटमेंट तो बनता नहीं है, वहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और आपके एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस कहलाता है, और अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो फिर ये डेफिसिट कहलाता है। ये फिर एक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसे एक्यूमुलेटेड फ़ंड कहते हैं। तो ये रिटेंड अर्निंग की तरह का अकाउंट है, आप समझ लें इसको, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली क्लब वगैरह के अंदर ये आपको मिलेगा। तो इसके ट्रीटमेंट लाइक कैपिटल की तरह या रिटेंड अर्निंग की तरह आप बिल्कुल करें, रिटेंड अर्निंग की तरह करें बिल्कुल, क्योंकि जितना भी सरप्लस डेफिसिट है यहाँ चला जाता है, फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक्यूमुलेट होता रहता है। अगर ये नेगेटिव बैलेंस है तो इसका मकसद है ये एक्यूमुलेटेड लॉस को शो करेगा कि आपकी इक्विटी जो है क्लब की वो नेगेटिव हो गई, और अगर ये प्लस है, कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसका मकसद है फिर ये क्रेडिट बैलेंस है आपका, कि आपके सरप्लसेस जो हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा थे और आपके पास आपके जो एक्सपेंडिचर्स थे वो डेफिनेटली कम रहे होंगे, इसीलिए ये प्लस के अंदर है। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018, वो ये ओपनिंग बैलेंसेस थे, एंडिंग के बैलेंसेस ये बता रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके 192,000 के हैं, स्टाफ सैलरीज $326,000 की आपने दी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
जो सब्सक्रिप्शंस आपको मिला वो 544,000 का था, और रेस्टोरेंट इसी क्लब के अंदर आप कोई रेस्टोरेंट भी चलाते हैं और वहाँ रिफ्रेशमेंट वगैरह होती है, फूड आइटम्स होते हैं, उससे जो आपने अर्न किया वो $12,600 वहाँ का प्रॉफिट है आपका। रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री के इन्वेंट्री रेस्टोरेंट में, क्योंकि फूड वगैरह होता है तो उसकी इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई थी। 30 जून 2018 का मकसद है एंडिंग इन्वेंट्री। $23,400 की रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री थी। रेस्टोरेंट ट्रेड पेएबल, रेस्टोरेंट ट्रेड पेएबल का मकसद है जो चीज़ें आपने खरीदी थी वो सप्लायर को पे करना है आपका, तो ये पेएबल लाइबिलिटी अकाउंट है आपका। लोन फ्रॉम ए क्लब मेंबर रीपेएबल 2022, तो 2022 के अंदर आप इसको पेमेंट करेंगे जाके। क्लब का कोई मेंबर है जिससे आपने लोन लिया है, तो ये लॉन्ग टर्म लोन है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ था। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, वो ये सब्सक्रिप्शन इन एरियर मैंने आपको बताया था, करंट एसेट्स हैं आपके के मेंबर्स हैं, उन्होंने क्लब की फैसिलिटीज़ तो अवेल कर ली लेकिन अभी तक सब्सक्रिप्शन पे नहीं कराए। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का मकसद है, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना सब्सक्रिप्शन पे ही नहीं करा, एंड दिस इज सॉरी एडवांस के अंदर पे कर दिया है उन्होंने, ये फिर आपकी करंट लाइबिलिटी बनती है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज फॉलोज, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं क्लब हाउस एट 4% पर एनम यूजिंग द स्प्रेड लाइन मेथड। कि क्लब हाउस का जो 4% का डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड का मकसद है ये 300,000 का 4% आप स्ट्रेट निकाल लें। जब स्ट्रेट लाइन हो तो हमेशा कॉस्ट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन को निकालते हैं, तो 300,000 का अगर मैं 4% निकालूं तो 12,000 बनता है। ये $12,000 जो है ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आपका क्लब हाउस का। और नीचे क्या बताता है आपको, नीचे कहता है कि इक्विपमेंट एट 15% पर है ना यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मकसद ये होता है कि अगर किसी भी डेप्रिसिएशन जब आपको निकालना हो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में से, तो जो कॉस्ट है उसमें से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। जैसे ये इक्विपमेंट आपको 140,000 की दी हुई थी और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 64,000 था, ये जब आपने माइनस किया 140,000 में से 64,000 को माइनस करें तो ये आपके पास 64,000 आते हैं। इस 64,000 का 15% आप अगर निकाल लें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड माने कि डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू के ऊपर निकलेगा, बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। बुक वैल्यू कैसे आती है, किसी कॉस्ट में से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो बुक वैल्यू आती है। जैसे हमने निकाली इस 140,000 माइनस 64,000 ये 76,000 आपका बनता है, बल्कि 140,000 में से 64,000 माइनस करें तो 76,000 आपके आते हैं। ये बुक वैल्यू है, इसका 15% आपने निकाला तो 11,400 ये आपका फिर डेप्रिसिएशन आ गया इक्विपमेंट का। और सब्सक्रिप्शंस जो आपको दी दिए, मांगता क्या है आपसे, कहता है एक्रूड रेस्टोरेंट वेजेस 3,300 हैड नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। रेस्टोरेंट की कुछ वेजेस थी, कुछ लोग काम कर रहे थे, उन्होंने काम तो कर लिया लेकिन अभी तक आपने उनकी वेजेस पे नहीं करी है, तो ये एक्रूड है। एक्रूड का मकसद है कि ड्यू तो हो गई है लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं हुई। द लोन फ्रॉम द क्लब मेंबर वॉज रिसीव्ड ऑन 1st January 2018 को ये लोन आपने लिया था। इंटरेस्ट इज टू बी पेड 10% पर एनम, नो इंटरेस्ट हैज येट बीन पेड। और हम 30 जून 2018 को बैठे हुए हैं, आपने देखा तो ये 10,000 जो था इसका 10% रेट है, ये बता रहा है आपको। तो ये 10,000 का 10% आप निकाल लें, तो 10,000 का 10% मेरे भाई अगर निकालेंगे ये बनता है 1,000, और 1,000 पूरे साल का है, परसेंटेज फॉर द ईयर होती है, 6 मंथ्स का आपको निकालना है तो 6/12 कर दें, ये 500 बन जाएगा। ये लोन इंटरेस्ट के ऊपर जो लोन है ये वो लोन है जो एक्रूड हो गया है लेकिन अपनी अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे। और सब्सक्रिप्शन जो आपको मांगता क्या है आपसे,
कहता है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। 30 जून 2018 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शंस, ये पहला आपका इनकम का सोर्स है, बाकी रेस्टोरेंट का प्रॉफिट है। तो सब्सक्रिप्शंस जब भी आए, मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको, सबसे पहले आप ये देखें कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है। तो जो रिसीव हुआ है वो इसने बताया है आपको, सब्सक्रिप्शंस रिसीव ये देख रहे हैं आप 544,000। तो कैश डेबिट या बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शंस क्रेडिट 544,000, ये आप क्रेडिट के अंदर लिखते हैं क्योंकि ये पैसा आपको मिला है। बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब ओपनिंग के अंदर आ जाएं। ओपनिंग में ये चार चीज़ें इसमें याद रखिएगा, ओपनिंग के बैलेंसेज और एंडिंग के बैलेंसेज। ओपनिंग के अंदर जो है सब्सक्रिप्शंस इन एरियर, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये एसेट है, करंट एसेट्स आपका, इसका ओपनिंग बैलेंस जब भी आएगा डेबिट साइड के ऊपर आएगा बैलेंस बीडी। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स, ओपनिंग बैलेंस $7,000, ये हमेशा डेबिट पे लिखिएगा क्योंकि आपका एसेट है, बैलेंस बीडी। और इसी सब्सक्रिप्शंस इन एरियर जो एंडिंग बैलेंस है आपका, ये देख रहे हैं एंडिंग बैलेंस भी इसने आपको दिया है, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर 8,200। एसेट का एंडिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है, याद रखिएगा, बैलेंस सीडी 8,200। ये ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस एसेट का डेबिट साइड पर आएगा और एंडिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा, ये आपने लिख दिया। इसी तरीके से जो लाइबिलिटी है, सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस 3,400, ये लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर आएगा, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना हुआ आपका, सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस $3,400, इसको आप यहां क्रेडिट साइड पर लिखें ओपनिंग बैलेंस को, और लायबिलिटी का जो एंडिंग बैलेंस है वो हमेशा डेबिट साइड पर लिखिएगा, बैलेंस सीडी। ये चार बैलेंसेस, एंडिंग बैलेंस 2,400 है आपने देखा, ये तो इसका ये यहां लिख दें 2,400। उसके बाद फिर आप इस लेजर को बैलेंस करें, तो अगर आप क्रेडिट साइड देखेंगे तो ज़्यादा होगी, 544,000 प्लस 3,400 प्लस 8,200, ये 5,600 बनता है आपका। और ये डेबिट साइड जो है वो कम है, इसमें से 7,000 माइनस किया आपने और 2,400 माइनस किया, तो 546,200 ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ये एक्चुअली आपकी इनकम हुई है। जो इसका बैलेंस है हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ा सिंपल होता है इसको बनाना, इसमें सिर्फ सब्सक्रिप्शंस इन एरियर और सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस की ट्रीटमेंट होती है। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड है वो आपको देते हैं, तो जो देगा वो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, इनकम है आपकी। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे लिखते हैं और क्रेडिट बैलेंस एंडिंग, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और एंडिंग बैलेंस क्रेडिट में। सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस जो है आपका, उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे चला जाएगा और एंडिंग बैलेंस डेबिट पे आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जो भी होगी वो सब्सक्रिप्शंस इनकम है, इस साल का जो इनकम बनी है। तो 546,200 आपने निकाली है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जाएंगे तो आप देखें ये सब्सक्रिप्शन फी, ये आप देख रहे होंगे 546,200 जो मैंने निकाला वही इसने यहाँ लिखा हुआ है आपके पास। उसके बाद रेस्टोरेंट का प्रॉफिट इसने आपको दिया है, रेस्टोरेंट का प्रॉफिट उसने दिया हुआ था 12,600। इसमें से जो वेजेस उसने बताई कि 3,300 की वेजेस हैं जो एक्रूड तो हो गई हैं लेकिन अकाउंट फॉर नहीं करी हैं, अभी तक पेमेंट नहीं करी है आपने, तो प्रॉफिट में से रेस्टोरेंट प्रॉफिट जो था उसमें से ये $3,300 की वेजेस को माइनस कर दें, बाकी ये रेस्टोरेंट प्रॉफिट आ गया। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो सब्सक्रिप्शंस आपकी इनकम हो गई और रेस्टोरेंट से जो प्रॉफिट कमाया वो आपकी इनकम हो गई, ये आपने इनकम लिख ली। उसके बाद डेप्रिसिएशन आप निकाल लें, डेप्रिसिएशन हमने क्लब हाउस डेप्रिसिएशन मैंने ऊपर निकाल कर दिखाया था आपको, 12,000 निकला था, तो ये 12,000 आप देख रहे होंगे। और इक्विपमेंट का हमने $11,400 निकाला था, ये देख रहे हैं आप 15%,
ये आपने सेकंड यहाँ लिख दिया। क्लब हाउस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसने आपको दिए हुए हैं 192,000 के, और स्टाफ की सैलरीज भी दी हुई है 326,000। इन दोनों को एज इट इज लिख दें। उसके बाद लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट मैंने 500 निकाल कर दिखाया था आपको कि 10,000 का 10% और 6/12, तो ये प्लस इन सबको आपने प्लस किया, ये 541,900 के एक्सपेंडिचर है। 555,000 का आपका इनकम है और एक्सपेंडिचर कम है, तो ये क्या आ गया, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के। सरप्लस यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि इनकम ज़्यादा है, तो सरप्लस हो गया ये ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये 13,600 का आपने एक तरीके से प्रॉफिट कमाया और सरप्लस आपका जो है वो ये है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बड़े सिंपल तरीके से आपने बनाया, कहते हैं स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी नॉर्मली इसके अंदर सब कुछ कैश बेसिस पर हम कर रहे होते हैं, और वेयर एज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्रूवल बेसिस को फॉलो कर रहे होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन भी हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, फिक्स एसेट्स को हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट में अगर कोई फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं तो वह उसकी भी रिकॉर्डिंग हम कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके। ये पहले भी फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर जो सवाल पूछता है, लास्ट जो मैंने पेपर्स कराए हैं उसमें भी ये डिफरेंसेस हैं, दोबारा देख लेते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक, व्हाइल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द सेम नेचर एज एन इनकम स्टेटमेंट। लाइक वो कैश बुक की तरह की अकाउंट होता है, और ये इनकम इनकम स्टेटमेंट जैसे बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम नॉर्मली एक्रूवल बेसिस के ऊपर बना रहे होते हैं। आपने देखा कि वो जो वेजेस थी रेस्टोरेंट की, वो भी पेमेंट नहीं हुई है लेकिन हमने उसे अकाउंट फॉर करा, रेस्टोरेंट प्रॉफिट में से माइनस करें हमने $3,300। कैश बुक बनाते हुए ऐसा नहीं करेंगे, वो एक्चुअल जो कैश बेसिस हो रही होगी, कैश पेमेंट हो रही है या कैश आपको मिल रहा है वो रिकॉर्ड करेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स अप्लाइज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाइल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अप्लाइज एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन, व्हाइल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आल्सो रिकॉर्ड्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन सच एज डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स लुक्स फॉर द इंक्रीज डिक्रीज इन कैश, कि वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसको देखता है ड्यूरिंग द ईयर, वाइल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लुक्स फॉर द सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट, कि सरप्लस कितना आया है और डेफिसिट कितना आया है। द ऑपरेटिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट कैश बैलेंस एट टाइम, इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो शो करेगा कि इतना अकाउंट इतना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, एंड इन हैंड हैंड आपके हाथ में कितना है और बैंक में कितना है। वाइल देर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी आप बनाएंगे वो सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, नो ओपनिंग बैलेंस। तो दीज आर द डिफरेंसेज जो आपने देखे। आगे कहते हैं प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एट 30 June 2018। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आपको बनाना है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनाना आसान है। इसमें नॉन करेंट एसेट से स्टार्ट करते हैं हम। ये 300,000 आपको दिया हुआ था, ये क्लब हाउस आपको दिया हुआ है और इक्विपमेंट दी हुई है आपको। देखें ये दोनों बैलेंसेज आपको दिए हैं 300,000 140,000। इसका 156,000 ऑलरेडी निकला हुआ था, 156,000 में ये 12,000 को आप और प्लस कर लें, क्योंकि इस साल आपने 156,000 ऑलरेडी था और 12,000 आपने निकाला, तो 168,000 आपका ये आ गया। जो करंट ईयर का निकाला है उसको प्लस कर लीजिएगा। इसी तरीके से इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन 64,000 था आपका, देख रहे होंगे आप ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें 11,400 का हमने और निकाला, तो 11,400 प्लस कर लें 75,400, ये देखें यहाँ आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दें तो नेट बुक वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये नेट बुक वैल्यू आपके पास आ गई। करंट एसेट्स में रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री आपको दी हुई है उसने, ये देखें रेस्टोरेंट इन्वेंट्री 23,400 आपको दी हुई है, ये 23,400 आ गई। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स, एरियर्स मैंने आपको बताया था, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स आपका एसेट होता है करंट एसेट्स, और सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स $8,200 एंडिंग बैलेंस दीजिएगा इसमें, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन जो हम बना रहे हैं वो कब का हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं 30 June 2018। 30 June 2018 का सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स $8,200 था,
$8,200 आपने देखे, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसने आपको दिया है, ये देखें ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट $7,700, ये भी आपने यहाँ लिख दिया कि तीन एसेट्स थे इनको प्लस करा, नॉन करंट एसेट्स में इसको प्लस करा, तो $235,900 आपके पास आ गया। उसके बाद नॉर्मली ये टोटल एसेट्स हो गए, फिर हम कैपिटल एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो कैपिटल की जगह मैंने आपको कहा था कि एक्यूमुलेटेड फंड जो दे रहा है इसको आप कैपिटल की तरह रिटेन्ड अर्निंग की तरह ट्रीट करें, तो ये एक्यूमुलेटेड फंड $194,000 का ओपनिंग बैलेंस था, आप देख रहे होंगे 1 जुलाई 2017 को, तो ये आपने 194,000 का सब्सक्रिप्शन फॉर द सॉरी एक्यूमुलेटेड फंड आपने यहाँ लिखा, और इसमें सरप्लस फॉर द ईयर अभी आप निकाल कर आ रहे हैं, सरप्लस फॉर द ईयर ये 13,600 जो आपने निकाला है ये इसके अंदर प्लस कर लें, कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग में हम प्लस करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से सरप्लस को हमने ऐड कर दिया, और नॉन करंट एक और लाइबिलिटी आपके पास थी और वो थी लोन फ्रॉम मेंबर्स, जो मेंबर्स है आपने 2022 में जो आप पे करेंगे $10,000 का, ये आपने यहाँ पर लिख दिया लाके। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल उसने आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर, ये देख रहे होंगे रेस्टोरेंट ट्रेड पेबल $12,100 का ये आ गया। सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस, मैंने बताया था सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस जो है जो मेंबर्स ने एडवांस में दे दिया वो लाइबिलिटी है, ये एंडिंग बैलेंस उठा लें 2400 का, ये 2400 ये आ गया आपके पास। एक्रूड वेजेस आपको पता है कि $3,300 की जो एक्रूड वेजेस थी रेस्टोरेंट की ये भी पेएबल है करंट लाइबिलिटी, इसको करते हैं, और एक्रूड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो लोन का मेंबर का जो लोन है उस पर आपको इंटरेस्ट अभी तक आपने पे नहीं करा, आपकी करंट लाइबिलिटी है, इन चारों को प्लस किया आपने, और ऊपर वाली फिगर्स में जब प्लस करा तो टोटल एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज $235,900 का आ गया, तो एसेट्स जो है वो यहाँ टाई बैक हो गए आपके। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बना लिया इस तरीके से। उसके बाद कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, 1 जुलाई 2017 द फॉलोइंग बैलेंसेज फॉर द रेस्टोरेंट वर अवेलेबल, कि 1 जुलाई 2017 के जो बैलेंसेस थे इन्वेंट्री रेस्टोरेंट की $15,700 थी और ट्रेड पेबल ओपनिंग का $13,900 था, यही बैलेंसेस उसने यहाँ एंड में दिए हैं। एट 30 जुलाई को आप देखें, एट 30 जून 2018 एंडिंग बैलेंस रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री एंडिंग जो है $23,400 थी, तो माइनस $23,400 ये एंडिंग थी, इसका मकसद है इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई, ओपनिंग 15,700 थी और एंडिंग जो दी हुई है 23,400, तो कितना इंक्रीज हो गया, $7,700 का आपके पास इजाफा हुआ एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर। वेयर एज ट्रेड पेएबल अगर देखें, एंडिंग का ट्रेड पेएबल कितना दिया हुआ है, ये 12,100, ये देख रहे हैं रेस्टोरेंट ट्रेड पेएबल 12,100, तो माइनस 12,100, तो इसका मकसद है 13,900 शुरू में था और 12,100 एंड में बचा, तो 1,800 ये डिक्रीज हो गया आपका ट्रेड पेबल, क्या हो गया डिक्रीज हो गया, और इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो गई, इसको याद रखिएगा इंक्रीज और डिक्रीज को। तो ये आपने निकाल लिया, मांगता क्या है, क्यों दिया है इसने, देखें देखते हैं इसको, कहता है कैलकुलेट द रेस्टोरेंट कैश सरप्लस और डेफिसिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018, कि कैश का सरप्लस और डेफिसिट मालूम कर रहा है रेस्टोरेंट का। देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले करवा के आया हूँ, आपको पता होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपने कितना निकाला उसका तरीका जो होता है वो ये होता है कि आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, उसके अंदर से नॉन कैश आइटम्स को हम प्लस माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं, एड बैक कर लेते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन को अगर इनकम होती है नॉन कैश तो उसको फिर हम माइनस कर देते हैं क्योंकि उसको पहले प्लस करके आते हैं, और करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज की मूवमेंट, अगर करंट एसेट्स के अंदर इजाफा हो रहा है तो उसको माइनस कर देते हैं,
माइनस अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। करंट लायबिलिटी में इसका रिवर्स करते हैं। उसके बाद फिर हम जो कैश फ्लो से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए रेस्टोरेंट का, क्योंकि ये पूछ रहा है आपसे, तो रेस्टोरेंट के प्रॉफिट को ले लें पहले। रेस्टोरेंट का प्रॉफिट उसने सवाल में आपको दिया था, रेस्टोरेंट प्रॉफिट कितना था आपके पास? $12,600। लेकिन $12,600 में से आपने क्या करा था, आपको याद होगा कि आपने इसमें से जो 3,300 की जो एक्रूड वेजेस थी वो माइनस करके कितना आया था आपके पास, जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन था वो कितना आ गया था, क्योंकि आपने वेजेस जो थी एक्रूड उसको अकाउंट फॉर नहीं किया था। तो उसे अकाउंट फॉर करके एक्चुअली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेशन जो है आपके पास $9,300 आया था। तो यहाँ से फिर आप शुरू कीजिएगा इसको बनाना, कैश फ्लो इसी तरीके से बनाते हैं, कैश फ्लो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, $9,300 आ गया। उसके बाद मूवमेंट्स निकाल लें। अभी हम निकाल कर आ रहे हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर आपने देखा $7,700 का इजाफा हुआ है, और करंट एसेट्स में अगर इजाफा होगा तो उसे माइनस कर देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हुए। और इसी तरीके से डिक्रीज इन ट्रेड पे, आपने देखा ट्रेड पेबल में अभी समझा के आ रहा हूँ, उसमें डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होगा तो उसे माइनस कर देंगे और इंक्रीज होगा तो उसको प्लस कर देंगे। इंक्रीज एक जगह पे हो रहा है वो है एक्रूड वेजेस। वेजेस आपने देखी थी कि 3,300 की पहले ओपनिंग फिगर नहीं दी हुई है, तो इसका मकसद है इजाफा हो रहा है और करंट लायबिलिटी में इजाफा होगा तो उसको प्लस कर देते हैं। तो करंट एसेट्स के अंदर अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज को माइनस कर देंगे, और करंट एसेट्स के अंदर अगर डिक्रीज है तो उसको प्लस कर देंगे। करंट लायबिलिटी के अंदर अगर इंक्रीज है तो उसको प्लस कर देंगे, और करंट लायबिलिटी के अंदर अगर डिक्रीज है तो उसे माइनस कर देंगे। ये पहले भी मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने प्लस माइनस करके जो फिगर निकलेगी, क्योंकि प्लस की फिगर ज्यादा है तो नेट कैश सरप्लस फ्रॉम रेस्टोरेंट, कि ये एक्चुअली रेस्टोरेंट से सरप्लस आपके पास आया है। दैट्स द पॉइंट जो कैश फ्लो का कंसेप्ट था वो यहाँ हमने इस्तेमाल करा है। कैश फ्लो के मैंने कई सवाल पीछे भी कराए हैं, अगर किसी की समझ नहीं आ रहा है तो वो सवाल समझ लें आप जाके, आपकी समझ में यहाँ जो मैंने समझाया है अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो वो सवाल अगर आप देखेंगे जाके तो फिर ये पूरा कंसेप्ट आपकी समझ में कैश फ्लो का आ जाएगा। उसके बाद आगे आए कहता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में द क्लब ऑफ प्लान्स टू इम्प्रूव द क्लब हाउस नेक्स्ट ईयर एट ए कॉस्ट ऑफ $50,000। ये इम्प्रूव करना चाह रहे हैं वो क्लब हाउस को नेक्स्ट ईयर के अंदर, $50,000 की लगेगी द चेयरमैन, आपकी प्राइस लगेगी उसकी। द चेयरमैन इज कंसिडरिंग फाइनेंसिंग द इम्प्रूवमेंट्स बाय आइदर मेंबर्स लोन और टेकिंग ए बैंक लोन। तो दो ऑप्शन हैं इनके पास इस पैसे को लेने के, या तो मेंबर से लोन ले लें या फिर बैंक से लोन ले लें। इवेल्यूएट वेदर द क्लब शुड फाइनेंस द इम्प्रूवमेंट बाय मेंबर्स लोन और टेक ए बैंक लोन। अपेरेंटली तो ये है कि अगर मेंबर से लोन मिल जाता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली फ्लेक्सिबल भी होगा, मार्केट से रेट भी उसका कम होगा और आप पे इतना बर्डन भी नहीं होगा। बैंक से लेते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन है, फिर लोन उसका फिक्स आपको देना पड़ेगा, तो पेपर लेस पेपर वर्क एंड प्रोसीजर अदर देन बैंक लोन में, तो फिर पूरा प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यहाँ कोई पेपर वर्क भी नहीं है, मेंबर से लोन आ जाएगा स्ट्रेट और ज़िंदगी आसान है। क्विकर टू ऑब्टेन लोन अदर देन बैंक लोन, मेंबर से लेना जो है क्विकर भी है आपके पास। मे नॉट रिक्वायर कोलेट्रल, कोलेट्रल का मकसद है कोई चीज़ आपको गिरवी नहीं रखवानी पड़ेगी, और बगैर किसी चीज़ को कोलेट्रल के आपको ये लोन मिल जाएगा। हाउएवर स्टिल मे हैव टू पे इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। स्टिल मे हैव टू रीपे द लोन, और बैंक इस लोन को भी आपको रीपे करना पड़ेगा। ऑलरेडी हैज ए लोन फ्रॉम ए मेंबर, मेंबर्स मे रिफ्यूज टू लैंड मोर। एक लोन तो आपका ऑलरेडी चल रहा है तो मेंबर्स हो सकता है मना करते हैं, लेकिन डिसीजन बहरहाल ये है कि अगर ये पॉसिबल है
और सही मेंबर आराम से लोन मिल सकता है, तो फिर इस ऑप्शन पे जाना चाहिए बैंक के बजाय। दैट्स द होल पॉइंट। ये फिर सवाल आपका खत्म हो जाता है। तो 2019 का क्वेश्चन नंबर वन हमने आप कंप्लीट कर लिया। होप आपकी समझ में आया होगा, और कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह।